टाटा सिग्ना 3530 और अशोक लेलैंड 3525 टिपर 35 टनर सेगमेंट में ये दोनों ही 12 चक्का टिपर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। हालांकि इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा काफी सालों से चला आ रहा है, पर अशोक लेलैंड भी इस मामले में कम नहीं है। टाटा मोटर का असल मेन राइवल या प्रतिद्वंदी कहे तो वो अशोक लेलैंड ही है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं टाटा सिग्ना 3530 और अशोक लेलैंड 3525 टीएन का डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं। अगर आप इन दोनों में से एक टिपर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप सही जगह पे आए हो। चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आरंभ किया जाए। दोस्तों इस कंपैरिजन वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। टाटा सिग्ना 3530 में इंजन क्यूमिंस का 6.7 लीटर BS6 फेज 2 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाता है, जो कि 300 HP की पावर निकाल के देता है 300 RPM पर और 1100 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन, वो भी 1100 और 1700 RPM के बीच में। तो प्रतिद्वंदी अशोक लेलैंड 3525 में दो इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं, ए सीरीज और एच सीरीज। ए सीरीज वाला इंजन बेसिकली नेपच्यून इंजन ही है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ दिया जाता है और ये इंजन 250 HP की पावर निकाल के देता है 2200 RPM पर और टॉर्क यहाँ पर आपको 900 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस करके देता है ये डीजल इंजन 1100 और 1800 RPM के बीच में। दूसरा इंजन ऑप्शन है हिनो सीरीज, जो कि 6 सिलेंडर के साथ दिया जाता है। ये इंजन भी 250 HP की पावर निकाल के देता है पर 2400 RPM पर और टॉर्क भी सेम 900 न्यूटन मीटर का ही प्रोड्यूस करता है, वो भी 1200 और 1900 RPM के बीच में। अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो आप 4 सिलेंडर इंजन की ओर जा सकते हैं अगर अशोक लेलैंड ही लेनी है तो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप 6 सिलेंडर इंजन की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि हिनो सीरीज में आता है। देखिए यहाँ पर पावर और टॉर्क दोनों में टाटा 3530 विनर साबित होती है, क्योंकि BS6 फेज 2 आने के बाद टाटा ने अपने सभी सारे 250 HP इंजन वाले मॉडल को अपग्रेड करके 300 HP कर दिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कंपैरिजन करते हुए। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। टाटा सिग्ना 3530 में गियर बॉक्स टाटा का खुद का ही G1150 का 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है, जिसमें क्रोलर या लो गियर जो भी है वो भी शामिल है। तो अशोक लेलैंड 3525 में गियर बॉक्स जाना माना ZF का 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है, सेम वही 9+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। दोनों ही मॉडल में आपको अच्छी क्वालिटी वाले ड्यूरेबल गियर बॉक्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मुकाबला बराबरी का कह सकते हैं। क्लच की बात करें तो टाटा सिग्ना 3530 में ऑर्गेनिक सिंगल प्लेट ड्राइव फिक्शन 430 mm डायमीटर की पुश टाइप क्लच प्लेट दी जाती है, तो वही अशोक लेलैंड 3525 पे दो क्लच ऑप्शन अवेलेबल है 380 mm और 395 mm। अगर आप 4 सिलेंडर इंजन वाला मॉडल लेते हो तो उसमें आपको 395 mm डायमीटर की क्लच प्लेट मिलेगी और 6 सिलेंडर वाले मॉडल में 380 mm डायमीटर की क्लच प्लेट दी जाती है। टाटा सिग्ना 3530 में क्लच प्लेट का डायामीटर ज्यादा है, तो मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अशोक लेलैंड में क्लच का साइज बहुत ही कम है टाटा के मुकाबले, तो ये एक डिसएडवांटेज जरूर है अशोक लेलैंड में। अब आते हैं पार्ट 2 पर, जिसमें चेसिस फ्रेम, एक्सल, टायर साइज और सस्पेंशन का कंपैरिजन करेंगे। टाटा सिग्ना 3530 में चेसिस फ्रेम लेडर टाइप दी जाती है, वो भी रिवेटेड बोल्ट और हैवी ड्यूटी क्रॉस मेंबर के साथ, और अशोक लेलैंड 3525 में चेसिस फ्रेम हैवी ड्यूटी क्रॉस मेंबर के साथ हैवी रीइंफोर्समेंट चेसिस फ्रेम दी जाती है। डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाटा सिग्ना 3530 में फ्रंट एक्सल हैवी ड्यूटी फोग आई बीम रिवर्स इनलेट टाइप फिटेड है, तो वही रियर एक्सल सिंगल रिडक्शन टेंडम SRT हैवी ड्यूटी एक्सल, वो भी डिफरेंशियल लॉक के साथ फिटेड है। अशोक लेलैंड में रियर में फुल्ली फ्लोटिंग हाफ रिडक्शन हैवी ड्यूटी रियर एक्सल फिटेड है, वो भी डिफरेंशियल लॉक के साथ। दोनों ही टिपर में आपको TAT हब का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको 5500 घंटे तक हब ग्रीसिंग नहीं करवानी होती, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है ये THU हब ट्रक हब यूनिट। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो टाटा सिग्ना 3530 में फ्रंट में हैवी ड्यूटी पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जाते हैं और रियर में आपको यहाँ दो सस्पेंशन ऑप्शन अवेलेबल है, एक है जाना माना हैवी ड्यूटी बोगी सस्पेंशन और दूसरा है अल्टीमैक्स सस्पेंशन। आप अपने काम के अनुसार दोनों ही सस्पेंशन में से कोई एक को चूज कर सकते हो। वहीं अशोक लेलैंड 3525 में फ्रंट में हैवी ड्यूटी पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जाते हैं और रियर में सेमी एलिप्टिकल स्टैंडर्ड सस्पेंशन और जाना माना हैवी ड्यूटी बोगी सस्पेंशन, उल्टी कमाने भी कहते हैं इसको, वो दिया जाता है। पर अशोक लेलैंड 3525 TN में अल्टीमैक्स सस्पेंशन का ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो यहाँ एक माइनस पॉइंट जरूर है अशोक लेलैंड में, क्योंकि अल्टीमैक्स सस्पेंशन काफी हद तक मेंटेनेंस कॉस्ट सेविंग होते हैं। आपको इनमें से कौन सा सस्पेंशन पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोनों ही टिपर में टोटल 13 टायर दिए जाते हैं एक स्पेयर व्हील के साथ। साइज की बात करें तो टाटा सिग्ना 3530 में 11x20 16 PR सेक्शन साइज के टायर दिए जाते हैं। रेडियल टायर और नायलॉन टायर दो प्रकार के टायर उपलब्ध है, जो कि आप अपने एप्लीकेशन के अनुसार चूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रेडियल टायर ही प्रीफर करते हैं। वही अशोक लेलैंड में 11x20 16 PR सेक्शन साइज के टायर दिए जाते हैं और स्मॉल साइज के भी टायर ऑप्शन अवेलेबल है। 295x90 R20 और 295x95 D20 साइज के टायर भी आप चूज कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा 11x20 साइज के ही टायर आपको लेने चाहिए।
अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट 3 के और जिसमें शामिल है फ्यूल टैंक, एयर ब्लू टैंक, केबिन ऑप्शन और बॉक्स ऑप्शन यानी डाला। टाटा सिग्ना 3530 में डीजल टैंक 300 लीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है और एयर ब्लू टैंक यानी यूरिया टैंक 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है, रिफिल कैपेसिटी बोलते हैं। वहीं अशोक लेलैंड 3525 TN में 220 लीटर और 300 लीटर की डीजल टैंक की कैपेसिटी दी जाती है और यूरिया टैंक 24 लीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है, वो भी रिफिल कैपेसिटी। टाटा सिग्ना 3530 में आपको यूरिया टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर की ज्यादा मिल जाती है अशोक लेलैंड के मुकाबले और स्टैंडर्ड डीजल टैंक भी 80 लीटर ज्यादा कैपेसिटी के साथ दिया जाता है टाटा सिग्ना 3530 में, तो ये बेनिफिट जरूर है। टाटा सिग्ना 3530 में HDPE टैंक दिया जाता है जो कि क्रैश प्रूफ है और इसी के अंदर लगा हुआ है एंटी फ्यूल थेफ्ट डिवाइस जो कि डीजल चोरी को प्रिवेंट यानी रोकता है। केबिन ऑप्शन की बात करें तो टाटा सिग्ना 3530 में व्हाइट कलर की स्माइली सिग्ना केबिन दी जाती है जिसमें पावरफुल एसी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, थ्री वे मैन्युअली एडजस्टेबल सीट, वाइडर ग्लास फॉर बेटर विजिबिलिटी, 2 हाई स्पीड चार्जिंग पर USB पॉइंट जैसे कमाल के कन्वीनियंट फीचर भी आपको दिए जाते हैं। वहीं अशोक लेलैंड 3525 में 3 केबिन ऑप्शन दिए जाते हैं, एम केबिन, एन केबिन और यू केबिन, जिसमें एन केबिन प्रीमियम फील के साथ आती है जो कि टिल्टेबल केबिन है यानी मेंटेनेंस के लिए आप इसे लिफ्ट भी कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम, लोअर फुटस्टेप फॉर इजी एंट्री और ऑप्शनल एसी भी इस केबिन में अवेलेबल है। टाटा सिग्ना 3530 में सिर्फ एक ही सिग्ना केबिन दी जाती है तो अशोक लेलैंड में आपको 3 केबिन का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है केबिन के ऑप्शन के मामले में। टिपर बॉक्स यानी जो पीछे जो डाला होता है उसकी बात करें तो टाटा सिग्ना 3530 में टिपर बॉक्स की साइज 23 क्यूबिक मीटर की दी जाती है तो अशोक लेलैंड 3525 में 5 बॉक्स साइज ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि 16 क्यूबिक मीटर, 18 क्यूबिक मीटर फॉर बॉक्स बॉडी, 19 क्यूबिक मीटर फॉर रॉक बॉडी, 20 क्यूबिक मीटर और मैक्सिमम बॉक्स साइज 22 क्यूबिक मीटर की दी जाती है। यहाँ पर आपको बॉक्स साइज तो अलग अलग क्यूबिक मीटर की मिल जाती है पर टाटा सिग्ना 3530 से मैक्सिमम बॉक्स साइज 1 क्यूबिक मीटर जरूर कम है। टाटा सिग्ना 3530 का व्हील बेस 5680 mm है और अशोक लेलैंड 3525 में मैक्सिमम बॉक्स साइज के साथ व्हील बेस 5250 mm है जो कि टाटा सिग्ना से 430 mm कम है, पर इससे आपको अशोक लेलैंड में टर्निंग रेडियस में ज्यादा फायदा होगा। शॉर्ट लेंथ होने के कारण ये गाड़ी कम रेडियस में आराम से मुड़ जाएगी। ग्रोस व्हीकल वेट की बात करें तो दोनों ही टिपर 35 टन की GVW की पासिंग के साथ आता है। पेलोड लगभग 21.5 टन का मिल जाता है दोनों ही टिपर में। अब कुछ की फीचर की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको टाटा सिग्ना 3530 में ही दिए जाते हैं। सबसे पहले मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच जो कि दे आपको बेहतर माइलेज, हिल स्टार्ट असिस्ट, एडवांस लेवल 4G GPS फिल्टर सिस्टम, प्योर SCR सिस्टम वाला वर्टिकल एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि पॉल्यूशन को करे कम, एडवांस लेवल इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसे कमाल के फीचर टाटा सिग्ना 3530 में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड 3525 के की फीचर के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ अशोक लेलैंड 3525 में ही देखने को मिलते हैं। अशोक लेलैंड में एग्जॉस्ट सिस्टम यानी साइलेंसर प्योर SCR नहीं है, वो EGR टेक्नोलॉजी के साथ दिया जाता है जिससे यूरिया की खपत काफी कम होती है, ये एक बेनिफिट है आपके कॉस्ट सेविंग के लिए। अशोक लेलैंड 3525 में 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया जाता है जो कि टाटा सिग्ना 3530 में नहीं मिलता, तो अशोक लेलैंड में इंजन ऑप्शन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी जरूर मिल जाती है। अशोक लेलैंड 3525 प्राइस में टाटा सिग्ना 3530 से अफोर्डेबल है यानी सस्ता है। अशोक लेलैंड 3525 में 3 केबिन ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि टाटा सिग्ना 3530 में नहीं मिलते, तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट जरूर है। दो ऐसे फीचर जो दोनों ही टिपर में कॉमन है वो है गियर शिफ्ट एडवाइजर और इंजन ब्रेक। गियर शिफ्ट एडवाइजर ड्राइवर आपको राइट RPM पे कौन सा गियर डालना है वो गाइड करता है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, इससे मेंटेनेंस भी कम आता है और फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। और दूसरा है इंजन ब्रेक जिससे आपकी ब्रेक की लाइफ काफी हद तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए मैं सिर्फ आपके सामने स्पेसिफिकेशन और फीचर कंपेयर करता हूँ, इससे आपको आसानी रहे दोनों ही प्रोडक्ट को समझने में। अगर आपको इन दोनों ही मॉडल के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप अपने लोकल के डीलर के यहाँ जाइए, वो आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से समझाएंगे और आपके कॉमन क्वेश्चन का आंसर भी वही लोग देंगे। क्वेश्चन कौन सा है, प्राइस क्या है, माइलेज कितना देती है और डाउन पेमेंट कितना भरना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।